दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द इंडियन स्टैक पर। मेरा नाम हेमंत यादव है और दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ एक बार के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी और दोस्तों आपको इसे बेचने के लिए भी कहीं पर भी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर हिट और ज़बरदस्त एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर के आऊँ। आप इस बिजनेस से पर डे विद प्रूफ के साथ में 10,000 रुपए तक की इनकम घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों माताओं बहनों, एक बार इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा क्योंकि यह वीडियो, यह एक प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो सच में अच्छा खासा मुनाफा आप इस बिजनेस से घर बैठे कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2,000 रुपए से भी आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक सही लेवल पे इस बिजनेस को करना चाहते तो वहाँ पे आपकी जो लागत आने वाली है वो 15,000 रुपए तक आने वाली है। दूसरी चीज दोस्तों, बहनों, माताओं, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे देश की माताओं और बहनों के लिए एक जरूरत बन चुका है। ऐसा नहीं है, एक तो होता है इंटरेस्ट और एक होता है जरूरत। इंटरेस्ट पे तो क्या होता है कि वही बंदे इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन जरूरत के टाइम पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो छोटे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए है। प्रोडक्ट देना जरूरी होता है, इसके बिना वो बच्चे आगे अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसका जिक्र मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि यह छोटे बच्चों के लिए क्यों फायदेमंद होता है, अगर हम इसका बिजनेस करते हैं तो हमें कैसे प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों तीसरी बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस बिजनेस की, मैं इस बिजनेस को तीन तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि तीन तरीके से आप बहुत ही आसानी से कैसे इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप इसे घर बैठे भी सेल कर सकते हैं और बाहर जाकर भी सेल कर सकते हैं। तीनों तरीके एक से बढ़ के एक तरीके है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा विद प्रूफ के साथ में, आप लोगों को दिखाऊंगा और इस प्रोडक्ट को बनाना भी दिखाऊंगा। सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में कोई नए बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। उसके बाद में आपको लगता है कि ये फ्रॉड है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से काफी ज्यादा इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू किया है, मैंने लोगों से पूछताछ की है, उसी के बाद में आप लोगों के लिए बिजनेस आइडिया लेकर के आऊं। तो प्लीज एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको पता है बच्चों को शक्कर कम से कम खिलानी चाहिए? प्राकृतिक मिठास से भरपूर गुड़ और नारियल से बनी शक्कर चीनी का बहुत ही अच्छा विकल्प है। यह ना सिर्फ प्राकृतिक स्वीटनर का काम करते बल्कि इसके प्रयोग से कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। आज हम सूखे खजूर के पाउडर की रेसिपी के बारे में जानेंगे जो प्राकृतिक रूप से मिठास से भरपूर है, साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारक है। खजूर पोषक तत्व से भरपूर होता है। सूखे खजूर में विटामिन, मिनरल्स, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो बढ़ते बच्चों के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है। ताज़े खजूर तो हम आसानी से खा लेते हैं या फिर बच्चों को खिला देते हैं, पर सूखे खजूर को बच्चों को किस प्रकार दिया जाए इसकी परेशानी आमतौर पर सभी को होती है। इस पर परेशानी को दूर करने के लिए आज हम सूखे खजूर के पाउडर की रेसिपी लाए हैं जो आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो रेसिपी है कैसे इसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले सूखे खजूर ले और उसे साफ और पतले सूती कपड़े से साफ कर ले। इसके बाद सावधानी से सभी सूखे खजूर में से बीज निकाल ले, फिर चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों काट ले। अगर सूखे खजूर को काटने में परेशानी हो रही है तो ओखली और मूसल की मदद से तोड़ ले और बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में काट ले। इसके बाद कटे हुए खजूर को एक प्लेट में फैलाकर लगभग 7 से 10 दिन के लिए धूप में सुखाए। उसके बाद में फिर सूखे खजूर को पीसने के लिए एक मिक्सी ग्राइंडर का प्रयोग करें। एक बार में थोड़े थोड़े सूखे खजूर मिक्सी में डालकर पीसे जिससे खजूर का पाउडर अच्छे से बन पाए। उसके बाद में फिर एक छलनी की सहायता से पाउडर को छान ले, बचे हुए खजूर के साथ ही यह प्रक्रिया भी अपनाएं। फिर जब ये पाउडर के रूप में तैयार हो जाए तो एयर टाइट डब्बे में आप इसे रख सकते हैं।
सूखे खजूर को तैयार करने में लगभग 7 से 10 दिन लगेंगे। तैयार पाउडर को एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर आप 4 महीने तक आसानी से कमरे के तापमान में रख सकते हैं। क्या मैं अपने बच्चों को खजूर दे सकती हूँ? संतुलित आहार के माध्यम से पोषक तत्वों की सही मात्रा प्रदान करना आपके बच्चे के स्तर विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा खजूर खाने के लिए तैयार है, तो जवाब 8 महीने के बाद बच्चा खजूर खा सकता है। खजूर बढ़ते शिशु के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो कि अकेले माँ का दूध प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। शिशुओं के लिए खजूर लाभ, कब्ज दूर करने में मदद करता है। खजूर में आयरन की मात्रा बहुत होती है, इसलिए बच्चों में खून की कमी दूर करता है। खजूर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर पर इस पाउडर को तैयार करने का समय नहीं है, चिंता ना करें, हम इसे आपको भेज देंगे। जैसे ही आप अपना ऑर्डर देते हैं, हम इसे ताज़ा तैयार करते हैं और सीधे आपके दरवाजे पर पहुंचाते हैं। ऑर्डर करने के लिए क्लिक करें। दोस्तों, जब हम इस वेबसाइट पे ऑर्डर करने के लिए क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर जिसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो पाउडर है वो आप दिख रहा होगा आपको, ड्राई डेट्स, ठीक है। और यहाँ पे 420 रुपये का मिल रहा है, जिसका साइज है 200 ग्राम, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा रेट है इसकी। इतनी ज़्यादा रेट है कि हम इंसान इसको मार्केट में इतने में नहीं बेच सकते, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से बेच रहे हैं। तो मैं आपको इसकी एक्चुअल रेट दिखाऊंगा और इसे कैसे बेचना है सारी वीडियो के अंदर। खजूर का पाउडर बनाना भी देख लिया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी अपनी सारी चीजें जान ली है। अब हम बात करते हैं कि हम इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं और हमें पर केजी के ऊपर कितना मुनाफा होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे खजूर का पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें सिर्फ खजूर की जरूरत पड़ती है, जो कि आप मार्केट से आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन मार्केट की बात करूं, तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर आप लोग 100 रुपए पर केजी के हिसाब से वहां से खजूर खरीद सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1 केजी पाउडर की, तो वहां पर 2 केजी हमारा खजूर खर्च होता है, उसके बाद में 1 केजी पाउडर हमारा तैयार होता है। तो 2 केजी जो खजूर होता है वो मार्केट के अंदर हमें 200 रुपए का मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके पाउडर की, तो 1 केजी जो पाउडर है वो आसानी से रिटेलिंग के हिसाब से 600 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट के अंदर बिक रहा है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, तो आप जाकर के अमेजोन, फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफलाइन मार्केट में किसी भी शॉपकीपर के पास जाकर के भी आप पता कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम 600 रुपए पर केजी है, हालांकि इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिसके अंदर हमारा जो खर्चा आता है टोटल 200 रुपए आता है, 1 केजी पे हमें 400 रुपए का मुनाफा हो जाता है। तो सोचा दोस्तों, अपने कितना ज्यादा प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर। अगर अब मैं बात करूं इसके मार्केटिंग की, तो हम इसे मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक ब्रांड के नाम से काम करना चाहते हैं, तो आपको एक GST नंबर लेना अनिवार्य होता है, उसके बिना आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपके पास में एक फूड लाइसेंस होना चाहिए, जिसे हम FSSAI का लाइसेंस बोलते हैं, तो वो लाइसेंस भी हमारे लिए अनिवार्य होता है। ये दोनों चीजें आपकी 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के अंदर हो जाती है। मतलब कि 10 या 12 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसके 3 तरीके बताने वाला हूं कि 3 तरीके से आप इसे मार्केट में कैसे अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तरीका तो हमारा ये होता है कि हम किसी भी एक बंदे को फायर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट के अंदर दुनिया भर की बेरोजगारी चल रही है, तो यहां पर आपको बहुत ही लो कॉस्ट में बंदे मिल जाएंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो आप कोई भी बंदे को हायर कर सकते हैं, 8 से 10 हजार रुपए के अंदर आपका बंदा हायर हो जाता है। वही बंदा आपकी मार्केटिंग करेगा आपके लोकल एरियाज के अंदर, वही बंदा आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए जाएगा। बस उसको एक बाइक की जरूरत पड़ेगी, जो कि या तो उस बंदे हर किसी के पास में बाइक होती है, आपको उसका पेट्रोल देना होगा, या फिर आप खुद से अपनी बाइक उसको दे सकते हैं। वही बंदा आपकी मार्केटिंग करेगा, वही बंदा आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। आपको सिर्फ बनाना है, आपको मार्केट में बेचने नहीं जाना है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये होता है कि हम जो ऑनलाइन साइट्स होती है, वहां पे हमारा जो सेलर अकाउंट है,
सेलर अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास में जीएसटी और फूड लाइसेंस होगा, तो आप वहां पे आसानी से अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर जाइएगा, वहां पे आप सर्च कर लीजिएगा कि सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। उस जानकारी के माध्यम से आप घर बैठे अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। सेलर अकाउंट बनाने के बाद में सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फोटोज वगैरह अपलोड करनी होती है। उसके बाद में जिसको भी इंटरेस्ट होता है वो बंदा आपसे परचेज कर लेता है। दो तरीके हमारे ये हो गए। तीसरा तरीका दोस्तों एक और होता है, जो कि ऐसा तरीका है जिसे हम देश में नहीं विदेशों के अंदर भी इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से आप जितना चाहे उतना पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। जहां पर ये प्रोडक्ट 600 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है, जो कि विदेशों के अंदर 6000 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 6000 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सहायता से वहां पे मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या तो कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो अब यूट्यूब के माध्यम से आपको दुनिया भर के ऐसे वीडियोज मिल जाते हैं जो कि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना सिखाते हैं। तो वहां से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना सीख करके भी अपने किसी भी बिजनेस को, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी बिजनेस को आगे ग्रो करें, कोई भी एक्स वाई जेड बिजनेस हो, हर बिजनेस को आप आगे ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं अभी जाना चाहता हूं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जहां तक कोशिश रहेगी कोशिश करेंगे आप सभी लोगों की मदद।